नमस्कार दोस्त, मैं अंजनी कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्लास्टर करते समय सीमेंट बालू का अनुपात क्या रखना चाहिए, जिससे आपका प्लास्टर मजबूत होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी हो और आपको दीवार से आने वाली सीलन का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि प्लास्टर करते समय यदि सीमेंट बालू के अनुपात का सही से ध्यान ना दिया जाए तो आपको फ्यूचर में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्त, प्लास्टर से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका प्लास्टर कमजोर होने पर आपको फ्यूचर में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्लास्टर करते समय सीमेंट बालू की मात्रा सही से न रखने पर बारिश के समय में दीवालों में सीलन आने लगती है। सीलन आने से दीवाल का रंग काला पड़ जाता है और दीवाल भद्दी प्रतीत होने लगती है। दीवाल पर लगा हुआ पेंट पपड़ी बनकर झड़ने लगता है। भारी मात्रा में सीलन आने से दीवालों से बदबू आने लगती है, जिससे घर में रहना मुश्किल होने लगता है। प्लास्टर करते समय सीमेंट बालू का अनुपात सही से ना होने पर कुछ ही सालों में प्लास्टर टूट टूट कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। आपको फ्यूचर में इन सभी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए घर की बाहरी दीवालों का प्लास्टर कराते समय सीमेंट बालू का अनुपात 1:4 रखेंगे, यानी कि एक बोरी सीमेंट में 4 बोरी बालू मिला के मोर्टार बनाएंगे, यानी कि प्लास्टर के लिए मसाला बनाएंगे। ओके दोस्तों, घर की बाहरी दीवार हमेशा सूर्य की रोशनी के साथ साथ वर्त बारिश के मौसम में भीगती रहती है, इसलिए भवन की बाहरी दीवार को हमें वाटर प्रूफ बनाना चाहिए। सो दोस्त, यदि आप प्लास्टर कराते समय 1:4 का मसाला यूज करते हैं तो आपकी जो वाल होगी वो पूरी तरह से वाटर प्रूफ होगी, ओके, जिससे आपकी दीवार में कभी भी सीलन नहीं आएगी। दोस्त, घर के अंदर की दीवार सूर्य की रोशनी और बारिश के पानी के संपर्क से दूर रहती है, क्योंकि दीवार का प्लास्टर तभी खराब होता है जब वह सूर्य की रोशनी और बारिश के पानी के संपर्क में आता है। तो दोस्तों, जब आप अंदर की दीवार का प्लास्टर करा रहे हैं उस समय सीमेंट और बालू का अनुपात 1:5 रखें, यानी कि 1 bag ऑफ सीमेंट और 5 bag ऑफ सैंड। सो प्लास्टर करते समय इन सभी बातों का ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।